विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी हरियाणा में अपना बिगुल बजा डाला है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देते हुए बीजेपी ने अपने 18 रथों को चुनावी रण में दौड़ाया है। सीएम मनोहर लाल ने संकल्प पत्र संकलन यात्रा की शुरुआत करते हुए 5 रथों को गुरुग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के तहत हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 18 रथ जाएंगे। हर एक रथ 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। रथ 5 विधानसभाओं के हिसाब से सभी 90 विधानसभाओं में ये आज से रवाना हो रहे हैं। इनकी विधानसभाएं तय कर दी गई हैं, तिथियां तय कर दी गई हैं, इनमें वहाँ हर एक विधानसभा का इंचार्ज तय कर दिया गया है। वहाँ कोई ना कोई नेता साथ रहे, अपनी बातचीत वहाँ बता सकें, तो इस प्रकार से एक ये कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी लोगों से, आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आपके मन में भी कोई विचार, कोई सुझाव पार्टी को बताने लायक हो तो हम जरूर अपना उसको लिख करके, और जो सुझाव पेटिका है इस रथ के साथ लगी हुई है उसमें हम डाल दें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी ने इसी तरह हरियाणा में संकल्प यात्रा निकाली थी, जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी पहुंचा। और इसी को देखते हुए बीजेपी विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह की यात्रा निकाल रही है। R9 TV के लिए गुरुग्राम से प्रवीण वत्स।